नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से अवैध बंदूक कारतूस मिलने की शुरुआत हुई है, तब की देखा जाए तो यहां अब ये आम बात लग रही है। पुलिस ने अपनी ड्यूटी बड़ी ही बहादुरी के साथ निभा रही है। जब से अपराध शाखा की कमान जांबाज पुलिस अधिकारी महेश कोंडावार ने संभाली, तब से एलसीबी की जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसी प्रकार कल देर रात बंदूक की डीलिंग होने की गुप्त जानकारी चंद्रपुर पुलिस को मिलने पर चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का, क्राइम ब्रांच के थानेदार महेश कोंडावार, रामनगर पुलिस थाने के थानेदार सुनील गाड़े अपनी पुलिस टीम के साथ ट्रैप लगाते हैं। इस बीच यहां के इंदिरा नगर निवासी विक्रांत सहारे नामक शिवसेना के युवा नेता के घर पर छापेमारी की जाती है। युवा नेता विक्रांत सहारे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के युवा जिला प्रमुख होने की जानकारी है। छापेमारी में पुलिस ने 40 जिंदा कारतूस बरामद किए, तो वहीं एक तलवार, एक मैगजीन, एक बेसबॉल बैट, एक मेटल की बाघ नख को भी पुलिस ने छापेमारी में जब्त किया। चंद्रपुर में आए दिन दिनदहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हमले में कोई शख्स घायल तो किसी की मौत होने लगी है। ऐसे में पुलिस ने भी भद्रावती बल्लारशाह इलाके से अवैध देसी कट्टा भी जब्त किया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी है। कल शुक्रवार देर रात 11:30 बजे पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे चंद्रपुर में सनसनी फैल गई है। इससे पहले शिवसेना के ही स्वप्निल काशीकर के यहाँ से भी तलवार समेत अन्य घातक सामान भी जब्त किया गया था। ये कार्रवाई पुलिस ने हत्या के मामले में की थी। देर रात को विक्रांत सहारे पर हुई कार्रवाई से पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है। इस मामले की आगे की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। गन डीलर्स को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, अभी गण होना बाकी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। आज पुलिस बातमीदारा मार्फत बातमी मिळाली की बाबूपेटेतील राहणारे निलेश पराते आणि मनोज कोलटवार हे इंदिरानगर येथील राहणारे विक्रांत सहारे यांना वेपनची विक्री करण्यासाठी येणार आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व पंचांसह दबा धरून बसलो होतो। त्या ठिकाणी ते घरी पोहोचताच त्यांच्या XUV700 या वाहनातून घरी पोहोचताच त्यांच्या लागोलाग छापा घातला आहे। तर त्यांच्याकडून प्रथमतः 40 जिवंत काडतुसे 7.65 mm जी 40 जिवंत काडतुसे, तसेच एक मॅग्झिन जप्त करण्यात आली। रिव्हॉल्वर न मिळाल्याने त्याचा शोध घेत असता त्याच्या बेडरूममधून एक तलवार मिळून आली, ती देखील पंचांसमक्ष जप्त करण्यात आली। तसेच जे वाहनातून आले त्याचं तपासणी केली असता वाहनातून एक वाघनक आणि एक बेसबॉल बॅट मिळून आल्याने ते देखील पंचनामा कारवाई करून जप्त करण्यात आलेले, सदर त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला पुढील कारवाई करत आहोत। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।